हेलो गाइस, मैं प्रियल आपका प्रियल मैम रीजनिंग पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज कल मैंने आपको होमवर्क में दिया था, उसी से हम शुरुआत करेंगे और फिर आपको एक और क्वेश्चन दूंगी होमवर्क के लिए। अभी तक हम लोगों ने सर्कुलर पजल देख चुके हैं कि सर्कल में पजल कैसे बनती है, अगर हम फ्लोर में बिठाते हैं तो फ्लोर में कैसे बनती है ये भी हम देख चुके हैं, मंथ्स की अगर कोई होती है तो मंथ्स को हम कैसे अरेंज करते हैं ये भी देख चुके हैं। आज हम लेके आई हूँ मैं आपके सामने स्क्वायर में, अगर कोई भी बच्चों को क्या भी किसी भी लोगों को अगर स्क्वायर में बैठाना होता है तो किस प्रकार से बैठाते हैं। तो शुरुआत करेंगे आज की अपनी क्लास की, तो उससे पहले मैं चाहूंगी आप सभी लोग शेयर सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये क्लासेस आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको लगता है जरूरी है कि 15 मिनट की क्लासेस आपकी है, लेकिन 15 मिनट में आपके कम से कम समय वेस्ट होता है, डेली आप एक नई टाइप की पजल सीखते हो। अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस करते जा रहे हो तो आपके लिए इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता किसी भी चीज को पढ़ने के लिए। आपको कम से कम, मैंने आपको पहले भी ये बोला था, कम से कम समय देना है पढ़ाई में, मतलब पढ़ने में कम समय लगे और रिवाइज करने में ज्यादा समय लगे, वही होता है आपका अच्छी स्टडीज और फ्रूटफुल या स्मार्ट स्टडीज जिसे बोलते हैं। क्योंकि अगर टाइम हम ज्यादा दोगे पढ़ने में और रिवीजन में आप एक आध घंटा दोगे तो कोई फर्क वाली बात नहीं है, चाहे आप 15 घंटे ही क्यों ना पढ़ लीजिए। पढ़ाई में चाहे कम दे दीजिए लेकिन रिवीजन में उतना समय दोगे तो आप बेनिफिट रहेगा। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास को, कल जो मैंने होमवर्क में दिया था उसी पजल शुरुआत करेंगे। एक बार आप देख लेते हैं, ये लीजिए ये आपकी पजल थी, पजल को ध्यान से देखना, ठीक है, ये आपकी पजल थी, शायद आप लोगों ने पढ़ ली होगी, अगर नहीं पढ़ी तो एक बार देख लीजिए फटाफट से, फिर मैं इसको हटाऊंगी और अपने क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि किस प्रकार से इस पजल को सॉल्व करते हैं। देखो मैं आपको अभी भी यही बोलना चाहूंगी कि आप सभी रेगुलरली क्लासेस लेते रहे, ऐसा ना हो कि एक दिन क्लास लेते हो एक दिन छोड़ देते हो, ऐसे करोगे तो कोई मतलब वाली बात नहीं रह जाएगी। अब देखो स्टार्टिंग की अगर मैं लाइन पढ़ूंगी कि यहाँ पे कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, 8 persons हैं, पहली चीज हमने पता चली। दूसरी लाइन को पढ़ने से क्या पता चला मुझे कि यहाँ पे ये लोग बैठे स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर के अंदर, लेकिन अगली लाइन पढ़ने में मुझे ये पता चला कि स्क्वायर में जरूर बैठे हैं लेकिन सबका ही मुंह अंदर की ओर है, क्या है, इनसाइड वाली है। ये बात ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बात ये है, स्क्वायर में ज्यादातर, स्क्वायर में 90% जो पजल आती है वो कैसी आती है, इन एंड आउट की आती है, कुछ का मुंह अंदर है कुछ का मुंह बाहर है, पर इस पजल में सबका मुंह अंदर की ओर है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो अब आंखें बंद करके पजल को स्टार्ट नहीं करना है। शुरुआत में आपको बोली थी कि पूरी पजल नहीं पढ़नी है, पूरी पजल नहीं पढ़नी है, पूरी पजल नहीं पढ़नी है, ये बात ध्यान रखना, एक एक लाइन पढ़नी है उसको लिखते जाना केवल, क्योंकि आप पूरी पजल पढ़ोगे एक बार में, ठीक है, सारी चीजें याद तो रहेंगी नहीं आपको, फिर लिख तो पाओगे नहीं आप मन से, आप तो फिर से आपको पढ़नी पड़ेगी, तो दो बार क्यों टाइम वेस्ट करें, एक बार पढ़ के ही हम लोग लिखते ज्यादा बेटर है, कम से कम टाइम तो कम बर्बाद होगा। अब शुरुआत करते हैं बफर की, अब शुरुआत करते हैं बफर की, ध्यान दीजिएगा बफर को, ठीक है, बफर की शुरुआत करते हैं। हिंदी में लगा दूं कि आपको हिंदी में अगर दिक्कत हो तो हिंदी में देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एल क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, एल कहां है, क्यू के बाईं ओर बैठा हुआ है दूसरे स्थान पर, पहला और दूसरा स्थान, ठीक है, पहली चीज। फिर क्या लिखा है, जो टेबल के किसी भी कोने में से एक पर बैठा है। अब देखो ये जो ये यूज हुआ है वो किसके लिए है, क्यू के लिए, ये जो क्यू के लिए यूज हुआ है कि ये कहां बैठा है, कॉर्नर में बैठा हुआ है, एक कॉर्नर में बैठा हुआ है, ये जो यूज हुआ है वो क्यू के लिए यूज हुआ है। शुरुआत में मैंने बताया था जो यूज होता है वो पास वाले के लिए यूज भी होता है, किसके, जो उसके पास में होगा उसके लिए यूज होगा। फिर क्या लिखा हुआ, एल और एम के बीच में दो लोग बैठे हैं, एल के और एम के बीच में दो लोग बैठे हैं, एल और एम। फिर क्या लिखा हुआ है आपका, के ओ के तत्काल बाईं ओर बैठता है, के कहां बैठता है, ओ के तत्काल बाईं ओर बैठता है, लो बैठ गया, ओ के तत्काल बाईं मतलब जस्ट बगल वाला, तत्काल बाईं। फिर क्या लिखा हुआ है, एम और एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, और अब ये और किसके लिए यूज हुआ, ध्यान दीजिएगा, ये और यूज हुआ है किसके लिए, जो शुरुआत में वैल्यू लिखी है, शुरुआत में क्या है, के लिखा हुआ है, के और एम अगल बगल नहीं बैठेंगे, के और एम अगल बगल नहीं बैठेंगे। फिर क्या लिखा हुआ है, पी क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, पी और क्यू भी अगल बगल नहीं बैठेंगे, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, एम और पी के बीच
जितने लोगों की संख्या है उतनी के और जे के बीच में है, मतलब एम और पी के बीच में मान लो इतने लोग हैं तो के और जे के बीच में भी इतने ही लोग हैं, इन दोनों के बीच की संख्या बराबर है। ऐसे लिख दिया, देखो हमें संख्या नहीं पता कितनी है तो हमने नॉर्मल लिख दिया, गैप देखे कि एम और पी के बीच जितने लोग हैं उतने ही लोग के और जे के बीच में है। ये ध्यान दीजिए मैं किस प्रकार से किसको डिनोट कर रही हूँ। देखो अगल बगल में तो ऐसे बना दिया, थोड़ा दूर दूर है तो ऐसे लिख दिया, अगल बगल नहीं बैठते तो ऐसे लिख दिया, मतलब हर चीज का देखिए किस प्रकार से मैं सिंबल बना रही हूँ जिसको आपको भी यही इस्तेमाल करने हैं। फिर क्या लिखा है, ना तो जे और ना ही पी का मुख एन की ओर है, मतलब जे के सामने एन नहीं होगा। फिर क्या है, पी के सामने भी एन नहीं होगा। फिर क्या लिखा हुआ है, एन का मुख एल की ओर नहीं है, एन के सामने एल भी नहीं होगा, मतलब एन के सामने जे पी और एल नहीं बैठेंगे। ये आपकी पूरी बफर था बस। अब हमें क्वेश्चन में देखने की जरूरत नहीं है, अब हमें क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, हम इसी से बना सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, हम इसी से बना सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा क्या है, ये रहा बनाते स्क्वायर टेबल एक और ये रही दो, दो स्क्वायर टेबल बनेंगी आपकी, ये बन चुकी है स्क्वायर टेबल, दो स्क्वायर टेबल बनी, सबका मुंह अंदर की ओर है, हमने देख लिया है, कुछ लोग कोने में बैठे हैं कुछ लोग बीच में बैठे, ये सब कुछ लिखा हुआ है टेबल्स में, तो हमने बना दिया ये रही आपकी, ये आपका बन गया डायग्राम। अब सबसे पहले क्या बनाते हैं, राइट, राइट क्या होगा, इधर वाला राइट है, ये 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 राइट है। मैंने आप सभी को सिखाया था शुरुआत वाली क्लास में, पहली क्लास में सिखाया था कि राइट लेफ्ट कैसे मार्क करते हैं, अगर आपने नहीं देखी तो आप सभी इनकी पहली वीडियो जरूर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाए किस प्रकार से हम राइट लेफ्ट और इसको बिठाते हैं। ठीक है, ये लीजिए बैठ गए, अब राइट मार्क कीजिए, ये राइट है, 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 और ये भी राइट है। इतने समझ में आ गई, तो हमने डायग्राम बना दिया, बफर बना लिया, अब बिठाना चालू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मेन दिक्कत क्या आती है, बिठाना कहाँ चालू करें। अब देखो एल और एम के बीच में तीन दो लोग हैं, अब कहाँ बिठाऊं एल को, एल को बिठाने की दो जगह है, या तो एल यहां बैठेगा या फिर एल यहां बैठेगा, ठीक है, एक और है, या तो एम इधर बैठेगा या फिर एम इधर बैठेगा, मतलब हमारे पास चार कंडीशन बन जाएगी, मतलब अगर एल को इधर बिठाएं तो एम या तो यहां बैठेगा या फिर एम यहां बैठेगा, पहली कंडीशन, अगर एल को यहां बिठाए तो एम कहां बैठेगा, या तो यहां बैठेगा या फिर यहां बैठेगा, मतलब चार कंडीशन बन गई, मतलब क्वेश्चन की शुरुआत यहां से तो होनी नहीं है, क्वेश्चन की शुरुआत यहां से तो होनी नहीं है कि एम की यहां पे चार कंडीशन बन रही है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और, अगर मैं शुरुआत यहां से करूं एल और क्यू से तो आसानी होगी, क्यों, एल और क्यू, क्यू क्यू के लेफ्ट में एल है पहली चीज, तो मतलब अगर मैं क्यू को इधर बिठाऊंगी तो एल यहीं पे ही बैठेगा, अगर क्यू को यहां बिठाऊंगी तो एल यहीं पे ही बैठेगा, पहली चीज समझ में आ गई। लेकिन एक बात और कहिए कि क्यू जो है कोने पे ही बैठना है, क्यू कहां बैठेगा, कोने पे ही बैठेगा, तो और दिक्कत सॉल्व हो गई हमारी, और दिक्कत सॉल्व होगी, देखिएगा अगर क्यू को यहां बैठाऊंगी तो एल को यहीं बैठना पड़ेगा, अगर क्यू को यहां बैठाऊंगी तो एल को यहीं बैठना पड़ेगा, फिक्स एक ही जगह बनी हमारी, तो ये हमारा हो गया। एल और एम के बीच में दो लोग हैं, अब देखो एल बैठ गया, एल बैठा हुआ और एम बैठा दो, एक दो, या तो एम यहां बैठेगा, एक दो, या फिर एम यहां बैठेगा, दो कंडीशन हो गई, ये वाला भी हो गया। ठीक है, अब देखिए के और एम बगल बगल नहीं बैठेंगे, के और एम अगल बगल नहीं बैठेंगे, देखो के और एम, के यहां नहीं आएगा, के यहां नहीं आएगा, ठीक है, यहां क्या है, के यहां नहीं आएगा। अब बिठाते हैं कैसे बिठाओगे, अब देखो ओ और के को बिठाते हैं, ओ और के को, ओ के लेफ्ट में के है, अगर देखो दो जगह लगातार खाली कहां है, या तो यहां बैठेगा या फिर यहां बैठेगा, अगर ओ यहां बैठेगा तो के यहां बैठेगा, अगर ओ यहां बैठेगा तो के यहां बैठेगा, लेफ्ट में बैठना है ना, ओ इधर के इधर, पर के यहां नहीं बैठ सकता, जगह क्या बची, एक ओ इधर, सॉरी ओ इधर और के इधर, ओ के लेफ्ट में के बैठ गया। सेम ऐसे यहां ड्रॉ करो, अब यहां कौन कौन सी है, या तो ये वाली होगी या फिर ये होगी या फिर ये होगी, ये होगी नहीं क्योंकि के यहां तो बैठेगा नहीं, ओ और के आएंगे यहां बैठेंगे नहीं, बचा ये और ये, दो जगह बची, तो एक और डायग्राम बना लो, एक और डायग्राम बना लीजिए,
एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ऐसे, ठीक है। फटाफट लिखो जो यहां लिखा हुआ है, एल क्यू और एम, ठीक है। अब देखो, या तो ओ इधर बैठेगा के इधर बैठेगा, या फिर ओ इधर बैठेगा के इधर बैठेगा। बन गई, ये बन गई डायग्राम। ये वाला भी काम खत्म हो गया हमारा, ये भी हो गया। अब P और Q बगल बगल में नहीं बैठेंगे, तो P यहां भी नहीं आएगा और P यहां भी नहीं आएगा, P यहां भी नहीं आएगा, ठीक है। ये भी कहानी खत्म हो गई, P इधर नहीं आएगा, ये लो भाई अब खत्म हो गई। अब देखिए, अब अगली चीज क्या है जो इंपॉर्टेंट चीज है, M और P के बीच जितने लोग हैं उतने ही K और J के बीच में, M और P के बीच में। अब देखो, P के लिए जगह कौन कौन सी है, ये दोनों, या तो P यहां बैठेगा या P यहां बैठेगा। अगर P को यहां बिठाया, M और P के बीच जितनी जगह है उतना ही K और J में है, तो J कहां बैठेगा, या ना तो यहां खाली है या यहां खाली है, मतलब ये जगह तो होगी नहीं। अगर P को मैं इधर बिठाऊं, एक जगह खाली है, तो K कहां बैठेगा, एक छोड़ के, K के एक छोड़ के, एक यहां J बैठेगा नहीं, J यहां बैठ जाएगा। समझ में आई? M और P के बीच में एक का गैप है, तो K और J के बीच में भी एक का गैप होना चाहिए, बात ये है। अब बिठाते हैं, P कहां बैठ सकता है, या तो यहां पे या फिर यहां पे। अगर P को यहां बिठाऊं, तो M और P के बीच में कोई भी जगह खाली नहीं है, तो K और J कहां बैठेगा, अभी जगह ही नहीं है उसके पास। अगर मैं P को इधर बिठाऊं, तो J कहां बैठेगा, जस्ट इसका उल्टा, J यहां बैठ जाएगा, ठीक है। इसको देखते हैं अब, P को अगर मैं यहां बिठाऊं, P को अगर मैं यहां बिठाऊं, तो J कहां बैठेगा, यहां बैठ जाएगा, J कहां बैठेगा, यहां बैठ जाएगा। और अगर अगर या फिर अगर P को यहां बिठाऊं, तो J यहां बैठ जाएगा, दिक्कत है नहीं। P और M के बीच में एक का गैप है, यहां पे भी एक का गैप है, ठीक है, ये कंडीशन बन गई। अगला क्या है जो बचा कुछ है, क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बच गया N, बच गया N, इधर बैठा दिया N, इधर बैठा दिया N, इधर बैठा दिया। अब देखो लास्ट वाली कंडीशन, N के अपोजिट J, P और L नहीं होंगे। N के अपोजिट ये है नहीं, N के अपोजिट J, P और L नहीं होंगे, ये गलत हो गया। N के अपोजिट J, P और L नहीं होंगे, ये भी गलत हो गया। बचा क्या आपका, ये यही आपका सही आंसर है। आपने बात समझी किस प्रकार से हमने शुरुआत करी? पता है पजल में मेन दिक्कत ही यही होती है कि आपको समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करें, यही समझना बहुत जरूरी है कि पजल की शुरुआत कहां से करें। अब देखिए, अगर हम शुरुआत कहीं और से करते तो शायद इतनी जल्दी हमारी पजल नहीं बनती। हमने शुरुआत यहां से करी और हमने सही चीजें उठाई, हमने सही चीजें उठाई तब हमारी शुरुआत बनी। देखो पजल का सबसे नंबर वन रूल क्या है, आप उसी चीज को उठाएं जिसके बारे में ज्यादा बातें दे रखी हो। देखो एल और क्यू, एल यहां पे भी है, एल यहां पे भी है, ठीक है, L यहाँ पे भी है, Q यहाँ पे भी, मतलब L और Q के बारे में काफी बातें दे रखी, इसलिए हमने इससे शुरुआत करी। दूसरी चीज, जिसका लेफ्ट और राइट पता हो, जिस भी चीज का लेफ्ट और राइट पता हो शुरुआत वहां से करेंगे। देखो इसके अलावा किसी का भी ना तो लेफ्ट पता ना राइट पता, हमें ये पता था कि Q के लेफ्ट में L बैठेगा, इसके अलावा कहीं पे भी ये बात डिफाइन नहीं थी कौन किसके लेफ्ट में क्या बैठेगा। अब ये तो बता दी कि L और M के बीच दो लोग बैठेंगे, लेकिन लेफ्ट में या राइट में ये नहीं बताया। तो हमेशा शुरुआत दो ही शुरुआत होती है, या तो जिसके बारे में सबसे ज्यादा दे रखा हो, या फिर जिसके लेफ्ट या राइट दे रखा हो, यही दो कंडीशन होती है किसी चीज को शुरुआत करने की। आई थिंक आपको समझ में आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो उसको शेयर बहुत ज्यादा कीजिएगा। बेटा ये आपके लोग के लिए क्लासेस, आपके लिए काम आने वाली क्लासेस है, तो आप सभी लोग शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर 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 कीजिएगा। इसको इतना बढ़ाइए वीडियोस को, इससे कि जिसको भी पजल में दिक्कत होती है, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो, दोनों लैंग्वेज हम देख रहे हैं, चाहे हिंदी या इंग्लिश हो, जहां पे जिसको दिक्कत होती है सभी को समझ में आए कि सच में दिक्कत कहाँ पे है। क्लियर हुआ? क्लास को ऑफ करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक होमवर्क का सवाल देना चाहूंगी। ये लीजिए आपका एक और होमवर्क, ये है आपका फ्लोर वाली पजल है, ये आपकी फ्लोर वाली पजल है। कोशिश कीजिएगा पजल को बनाने की, ऐसी पजल मैं करवा चुकी हूं। तुरंत की तुरंत आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगली क्लास में देखेंगे ये वाली और कुछ और पजल सर्कुलर वाली, ठीक है। तो क्लास को ऑफ करेंगे, तो मैं यही चाहूंगी अगर भी अभी भी आप लोगों ने शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। एक और चीज है, लाइक का बटन दबाई दीजिएगा और टेलीग्राम लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर जरूर जुड़ जाएगा, क्योंकि उसमें क्लासेस के बारे में
पीडीएफ के बारे में और जो भी क्वेश्चन होते हैं सभी के सभी वहीं पे डिस्प्ले होते हैं, तो आप सभी वहां पे जरूर जुड़ जाएगा, टेलीग्राम लिंक पे हो, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय, मिलते हैं वापस से 8 PM पे, कोई भी क्लास मिस नहीं करेगा, 8 PM वापस से मिलेंगे, टेक केयर एंड बाय बाय।